मध्य प्रदेश में अब गर्मी का जोरदार असर देखा जा रहा है। कई जिलों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे रातें भी गर्म होने लगी। लगातार बढ़ती गर्मी से अब पंखे और कूलर भी बेअसर दिखाई दे रहे हैं। बता दें, मौसम वैज्ञानिकों ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में हीटवेव चलने की संभावना जताई है। वहीं पारे में तेजी से उछाल की बात भी कही गई है। अप्रैल में बारिश ने दस्तक दी, हालांकि मई के शुरुआती दो दिनों तक मध्य प्रदेश में तेज गर्मी का असर देखने को मिला। कई शहरों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। निमाड़ के खंडवा, खरगोन, बड़वानी और अन्य जिलों में भी रातें गर्म रहीं। आज यानी शुक्रवार को भी गर्मी का असर जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिक प्रकाश धावले ने बताया कि तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होने पर हीटवेव चलने लगती है। मिली जानकारी के अनुसार अगले दो दिनों में हीटवेव का असर भी देखने को मिलेगा। वहीं 4 और 5 मई को ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, माऊगंज, सीधी, सिंगरौली, खरगोन और खंडवा में हीटवेव चल सकती है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दो दिनों में ग्वालियर, छतरपुर, नरसिंहपुर, निवाड़ी, मेहर, टीकमगढ़, भिंड, दतिया, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, मुरैना, राजगढ़, रायसेन, शाजापुर, शिवपुरकला, शिवपुरी और विदिशा जिलों में तापमान 45 डिग्री या इससे ज्यादा रहने का अनुमान है। साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग के साथ मालवा निमाड़ के कुछ शहरों में भी तेज गर्मी रहेगी। छतरपुर के खजुराहो और नौगांव में पारा 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। भोपाल में टेम्परेचर 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में भी गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी। इंदौर से लोकल 18 के लिए राहुल दवे की रिपोर्ट।